हे गाइस, माय नेम इज सतीश और आप देख रहे हो सैडजोमैक अनबॉक्स। तो गाइस आज हम करेंगे रेडमी के 20 प्रो की अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारे पास बॉक्स, देख लीजिए रेडमी के 20 प्रो का। और यहाँ पर आपको इसके अंदर पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो कि 20 मेगापिक्सल का है। उसके साथ ही हमारे पास जो वेरियंट है 6GB 128GB रोम वाला वेरियंट है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है वो 855 वाला प्रोसेसर मिलता है जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आपको रेडमी के 20 प्रो की ब्रांडिंग, पीछे आपको स्पेसिफिकेशन दी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया, स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इसका और 13 और 8 के दो कैमरे और लगे हुए हैं। 3 कैमरा मिलते हैं हमें इसमें बैक साइड में। सामने की तरफ आपको पॉपअप कैमरा जो मिलता है 20 मेगापिक्सल का है। उसके साथ ही 6.3 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है जैसे कि इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है, फेस अनलॉक वगैरह, और 4000mAh की बैटरी है देख लीजिए, और 27W के फास्ट चार्जिंग के साथ ये आता है, सपोर्ट करता है, आता है तो चेक करेंगे। कार्बन ब्लैक कलर है हमारे पास, 6GB और 128GB रोम वाला ये, तो ये रहा देख लीजिए। और जिस पे जो प्राइस मेंशन है 28,999 है, लेकिन ये आपको 27,999 मिलेगा किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन साइट पर। तो देख लीजिए, चलिए कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स मिलता है। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स, निकालते हैं अपने डिवाइस को बाहर। तो गाइस हमारा एक शोरूम है बग्गा कम्युनिकेशन के नाम से पालम के अंदर, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको न्यू फ़ोन चाहिए तो। तो चलिए जल्दी से हम निकालते हैं इसको। तो चलिए बॉक्स खोल लिया हमने। तो बॉक्स खोलते समय सबसे ऊपर हमें एक और छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर के अंदर। तो चलिए इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं हम क्या क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं, इसके अंदर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सिम इजेक्शन पिन दिख जाती है और कुछ रेडमी की तरफ से पेपर वर्क दिया हुआ है, तो चलिए हटाते हैं इसको साइड में। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है जैसे कि मैनुअल वगैरह जो होती है हमारी। तो उसके साथ आपको एक बैक कवर भी मिल रहा है इसके अंदर। तो चलिए इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। तो ये कुछ हार्ड प्लास्टिक में मिलता है आपको, सॉफ्ट मटेरियल वाला नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक में है और रेडमी की ब्रांडिंग के साथ आता है। देख लीजिए क्वालिटी थोड़ी सी हैवी है गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है, बस स्क्रैच ना लगाए हमारे फ़ोन को। ये है हमारा फ़ोन कुछ इस तरीके से। तो गाइस पहले मैंने सेटअप कर लिया है इसको, इसलिए ये थोड़ी सी सील हटी हुई है, तो उसको माइंड मत करना। इसमें आप हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलता है आपको, जिसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम या 1 मेमोरी एसडी कार्ड। तो ये रहा हमारा डिवाइस, रखते हैं इसको साइड में। तो चलिए और देखते हैं बॉक्स के अंदर, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमें एक केबल मिल जाती है, तो चलिए केबल भी देख लेते हैं। तो हमें इसके अंदर जो केबल देखने के लिए मिल जाती है वो है हमारी टाइप सी, क्योंकि हमें इसके अंदर टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो इतने महंगे फ़ोन में टाइप सी होना तो बनता ही है गाइस। और उसके साथ ही हमारा चार्जर है, तो चलिए इसकी भी रेटिंग देख लेते हैं कितनी आउटपुट रेटिंग देता है हमें ये। तो हमारा ट्रेवल अडाप्टर है ये, देख लीजिए काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे। और यहाँ पर जो आपको वाट मिलता है 2 एम्पियर 12 वाट का है, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा चार्ज करेगा हमारे फ़ोन को। तो ये सारे कंटेंट है हमारे फ़ोन के साथ, तो चलिए हटाते हैं सबको। तो चलिए आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो गाइस पहले ही मैंने इसे सेटअप कर लिया था, तो चलिए मैं दोबारा से इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस लुक वाइज देखिए क्या प्रीमियम फील है गाइस फ़ोन की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फ़ोन की गाइस, हाथ में लेते ही पता चल गया। काफ़ी अच्छे एंगल्स बना रखे हैं जो कि हाथ में काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहे हैं, और थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे, 4000mAh बैटरी है तो इसलिए देख लीजिए। चलिए इसको बूट अप करते हैं, फिर करते हैं इसका एक फिज़िकल ओवरव्यू। तो चलिए हमने इसे ऑन कर दिया, तो चलिए ये ऑन हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कुछ तरीके से 6.3 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, और कोई बेजल्स आपको साइड में ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे और कोई भी डॉट वगैरह नहीं दिखाई देगा। S2S डिस्प्ले दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है फ़ोन के ऊपर, देखिए आप। और यहाँ पर आपको एयरपीस भी ऊपर की तरफ ही लगा हुआ है, ऐसा पता नहीं चल रहा डॉट वगैरह से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन ये। पीछे तरफ देखोगे तो आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया, उसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल के दो कैमरे और हैं, तो हमें टोटल 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं बैक साइड में। यहाँ पर देख लीजिए कुछ तरीके से डिज़ाइन दिया, और यहाँ पर हमें पावर बटन दिखता है लेफ्ट साइड में, उसी के ऊपर वॉल्यूम रोकर्स है जो कि पावर बटन है हमारा, हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में तो हमें कोई भी स्लॉट वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सिम स्लॉट चेक करते हैं किस तरफ है हमारा, तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा पॉपअप कैमरा देखने के मिल जाता है जो कि 20 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके साथ ही आपको 3.5mm का हेडफोन जैक दिख जाता है, वहीं आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और हम और जो हमें सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से लगा रखी है यहाँ पर। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, देख लीजिए हाइब्रिड सिम स्लॉट जो कि आप 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम या 1 मेमोरी एसडी कार्ड। तो ये लगा दी हमने वापस। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट, स्पीकर और एक माइक देखने के लिए नीचे मिलता है बॉटम साइड में। तो ये है हमारे फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से हैंड ऑन। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस मिलता है, काफ़ी स्मूथ है गाइस, रियली में काफ़ी स्मूथ यूज़र इंटरफेस दिया है आपकी बार Xiaomi ने इस फ़ोन के अंदर।
जो कि बनता है 28,000 रुपये के प्राइस रेंज में। यहाँ पर देखिए, और डिस्प्ले की क्वालिटी आपको दिख रही होगी गाइस, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में फ़ोन को। और आप देखिए, मैं तो बार बार इसको चला ही रहा हूँ, खोल के इधर उधर स्लाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा K20 Pro की ब्रांडिंग, उसके साथ एंड्रॉयड वर्जन इसमें दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड पाई। और यहाँ पर आपको दिखेगा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 29611 का है, मॉडल नेम ये है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि मैंने बताया स्नैपड्रैगन का 855 वाला है। पर साथ हमें रैम जो देखने के लिए मिल जाती है, 6 GB रैम है इसकी, और 128 GB वाला वेरियंट है जिसमें से हमें 115 GB फ्री मिलता है। तो एक बार मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ, फिर इसका दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल लॉक किस तरीके से काम करता है। उससे पहले देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए एक बार स्क्रीन की गाइस, ऐसे ब्लैक में नहीं, थोड़ा वाइट करके मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छी क्लियरिटी गाइस, काफ़ी लाइट है हमारे यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए आपको सारे साइड टू साइड एंगल दिख रहे होंगे फ़ोन की डिस्प्ले के। और काफ़ी अच्छी यूजर्स इंटरफेस बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए मैं फेस लोग इसका चेक कर रहा हूँ, तो आइज़ क्लोज़ करके आप खोलोगे तो नहीं खुलता आपका फ़ोन, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा इस कैमरे के अंदर। दोबारा चेकआउट कीजिए, देखिए मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ और एकदम से खोल के ये बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमारा कैमरा बाहर की तरफ आता है तो आपको एक इफेक्ट सा दिखाई देगा, देखिए रेड कलर का कुछ इस तरीके से लाइटनिंग जलती है हमारे कैमरे के साइड में, जो काफ़ी अच्छा लगता है नाइट वगैरह में, एकदम से लाइट आती है एकदम से बंद होती है। और देख लीजिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फेस अनलॉक, एक बार आपको पावर बटन दबाकर स्लाइड अप करना होता है फ़ोन को, और ये देखिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपना, एकदम एकदम से देखते ही अनलॉक हो जाता है फ़ोन हमारा। देख लीजिए आइस क्लोज है मेरी, और मैं इसको जैसे देखता हूँ वैसे ही अनलॉक कर देता है हमारे फ़ोन को। तो काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ, देख लीजिए कोई लैग वगैरह कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा फ़ोन के अंदर। इसे अनलॉक कर देता है स्क्रीन, तो ये भी काफ़ी फास्ट है गाइस, काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया शाओमी ने रियली में गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, डिस्प्ले वगैरह से लेकर हैंड ऑन रिव्यू काफ़ी अच्छा है इसका, फील क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, और काफ़ी अच्छा फेस अनलॉक काम कर रहा है। और फिंगरप्रिंट भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको एकदम से रखते ही आपकी फिंगर स्क्रीन के ऊपर एकदम अनलॉक कर देता है फ़ोन को, ये देखिए काफ़ी फास्ट बना रखा है। एक बार आपको फेस अनलॉक दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए एकदम से साउंड भी आता है गाइस, इसमें मैं आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप जैसे इसको स्लाइड करते हो वैसे एक साउंड सा आता है मशीन जैसा। तो चलिए कैमरा क्वालिटी भी इसका चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कैमरा 48 मेगापिक्सल से तो बैक साइड का ही है, तो फ्रंट का खींचते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में खींचेंगे हम एक फ़ोटो, तो चलिए हम देखते हैं कैमरे के अंदर, करते हैं क्लिक फ़ोटो, तो गैलरी अलाउ कर रहा है। तो देखिए ब्लर इफेक्ट के साथ हमने खींचा हुआ ये फ़ोटो, और देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसने पिक्चर क्लिक किए कैमरे ने, और क्वालिटी आप देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस क्वालिटी इंडोर के अंदर। ये नॉर्मल वाली फोटो है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, साथ सीधी की सीधी खींची हुई है। उसके बाद चलिए और दो चार फ़ोटो खींचते हैं हम बैक कैमरे से इसके, तो कुछ फ़ोटोज़ और मैंने क्लिक करके लेकर आया हूँ आउटसाइड से। तो ये सामने की है फ्रंट की 20 मेगापिक्सल की, देखिए आउटडोर में तो और अच्छी फ़ोटो क्लिक की है फ़ोन ने कुछ इस तरीके से, देखिए ये बोके इफेक्ट वाली है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। उसके साथ ये देखिए बैक कैमरे की फ़ोटो है, और क्या फ़ोटो क्लिक किया गया इस रियली में, शार्पनेस देखिए, एक एक क्लियरिटी देखिए, आपको आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी देखने में। ये नॉर्मल कैमरे से खींची हुई है, ये हमारा 48 मेगापिक्सल के कैमरे से खींची है, ये देखिए इसमें 48 मेगापिक्सल है, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है क्योंकि HD वीडियो क्लिक करता है, फ़ोटो क्लिक करता है वो, आपको एक एक शार्पनेस दिखाई देगी फ़ोन के अंदर। ये देखिए जूम कैपेबिलिटी में आपको चेक करा रहा हूँ, तो जूम कैपेबिलिटी तो ठीक ही है, इतना ज़्यादा जूम कोई करता नहीं है फ़ोटो को, ये चलती हुई गाड़ियों की फ़ोटो खींची हुई है, देखिए फिर भी कितनी शार्प ली है इसने। और यहाँ पर देखिए आपको डेंट वगैरह सब दिखाई दे रहा है ईजिली, कहाँ स्क्रैच लगा हुआ है गाड़ी पर सब दिखाई देगा आपको, ये देखिए एक एक क्लैरिटी गाइस दिख रही होगी। और आपको वीडियो कैसी लगेगा इस वो भी बताना, और थोड़ा सा मैं लेट हो गया इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग के लिए, क्योंकि गाइस हमारे को कोई कंपनी नहीं भेजती, हमें खुद क्लिक बनानी होती है वीडियो रिव्यू यूनिट जो हमारे पास आती है, या कोई हमारा फ्रेंड वगैरह ख़रीदता है तो उससे थोड़ा सा हम ले लेते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ, और ये 48 मेगापिक्सल के हिसाब से खींची हुई हमने, ये देखिए। तो गाइस क्लैरिटी का कोई जवाब नहीं है फ़ोन का, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है फ़ोन की। और कैमरा क्वालिटी का तो आप देख लीजिए, आपके सामने ही दिख रहा होगा सब कुछ डिटेल्स, और इंडोर की फ़ोटोज़ का आपको देख ली लुक, देखिए क्या बन के आ रहा है, देखिए हमारे भाई जी कितने अच्छे लग रहे हैं, एक एक शार्पनेस दिख रही होगी आपको।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सवाल या जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।